फिर कहते हैं जी गोली क्यों नहीं मारी। अभी आप ये बताइए, पुलिस के पास हथियार तो ऐसा हो सकता है कहीं कि सारी इतनी पुलिस तैनात की हो और हथियार किसी के पास ना हो? बिल्कुल मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं पुलिस के पास नज़दीक से जानता हूँ, मैं ऐसी बात नहीं मानता। अगर उन्हें गोली नहीं चलाई तो उनका मतलब यह था कि अगर गोली चलाएंगे, गोली एक आदमी को तो लगेगी नहीं, क्या पता दो तीन आदमी को, जो वहाँ जो भीड़ आती है, आपने देखा सड़क के ऊपर भी लाइन लगा हुआ है, किसी और को लग जाए वो भी काम खराब। वो बोलते हैं टायर में नहीं मारी गई। अरे भाई टायर में मार, ऐसा थोड़ी होता है एकदम से टायर में मार दो तो एक ही गोली, वो कमांडो के वो आदमी थे कि एक ही बार उनका निशाना इतना पक्का होगा वो वहाँ मार देंगे, आगे पीछे भी हो सकती है वो। चलो इस बात का भी छोड़ दीजिए, पुलिस ने जब उनको छोड़ दिया वो अपने स्थान पे गए, यहाँ आ दिए आप, अपने स्थान पे जाके उन्होंने, उनको पता था हम कांड करके आए हैं तो उन्होंने सामान आगे पीछे फेंका होगा, तो मान ये भी मान के चलो, नहीं भी मान के चलो भी नहीं फेंका कोई बात नहीं। लेकिन फिर उसमें जो आ जाती है, जो SSP साहब उसको बोल रहे हैं बड़े तरीके से, बड़े आराम से बोल रहे हैं सिद्धू साहब कि आप बाहर आ जाइए, हमें बात करनी है आपसे, यह करना वो करना, तो वहाँ पे जो है अंदर जिसकी आवाज़ आ रही है यहाँ की, वो बहुत ही गुस्से में और बहुत ऑकवर्ड है और बहुत उसके जो लफ्ज़ हैं वो सहन योग नहीं है, तो बहुत वो बेवकूफ़ी बातें कर रहा है। चलो वो भी मान लीजिए, अभी पुलिस का एक तरीका होता है, उन्होंने पता किया होगा कि अंदर तो पता नहीं अंदर इनके पास क्या असला है, क्या सामान है, क्या नहीं है, क्योंकि अंदर से तो कुछ उनको इन्फॉर्मेशन मिली नहीं। या तो पहले होता कि इनको पता होता कि ये डेरा ऐसे करेगा और ये पहले अपना इन्फॉर्मर या कोई वहाँ से भेजते, इनको पता होता अंदर क्या है क्या नहीं है। पुलिस भी ऐसे सावधान से काम करते हैं क्योंकि धार्मिक स्थान है, उनको अंदर के हालात जानने के लिए इनका कोई खास ही आदमी चाहिए था कि जो हम उसको लाएँ और वो खास आदमी अंदर बताए हमें क्या इसके हालात हैं, उसी मुताबिक तैयारी की जाए, क्योंकि कमांडो वैसे नहीं आते। जब इनको खतरा हुआ पुलिस को कि अंदर कुछ हो सकता है तभी इन्हें कमांडो मंगाए। अभी आज ये इसकी घरवाली है, इसकी जो लड़की जिसके पीछे बहुत ही लोगों ने हंगामा कर दिया, पकड़ दी लड़कियाँ, पकड़ दी औरतें, पकड़ दी पुलिस। अरे भाई आप ये बताइए, पुलिस ने अपना काम अपने तरीके से करना है, अगर वो लेके आए तो उनको उन्होंने कुछ बेइज्जती नहीं की, वो लेके उनसे पूछा होगा भाई अंदर क्या कुछ है, क्योंकि वो फर्स्ट इन्फार्मर हैं, फर्स्ट लाइन के इन्फार्मर हैं वो लड़की और उसकी माँ, भाई अंदर क्या कुछ असला है क्या नहीं है, उनसे पूछताछ की होगी उन्हें। मैं भी पहले भी मैंने कमेंट्स किए हैं लोगों के जो बकवास मार रहे थे कि वो जो है कि तो उन्हें पूछताछ करेंगे, जो नहीं कुछ पाएगा तो उनको दोनों को छोड़ देंगे, इन्फॉर्मेशन देनी है उन्होंने, तो लड़कियाँ तो हुई इस करके, तो जब लड़कियों ने बताया होगा अंदर क्या असला है क्या नहीं है, क्योंकि उन्होंने बताया होगा, और लड़कियाँ ये दो बता रहे हैं, एक माँ बता रही है एक बेटा बता रही है, मैं तो एक ही देखी है जब वो कोर्ट में पेश हो रही है, उसके साथ एक पुलिस वाली हौलदार है। इसके बाद भी आप छोड़ दे दिए, अभी वो जो है अंदर गई पुलिस, अगर वो जैसे बकवास मार रहा था क्या कर रहा टेंशन में आ गया, अगर पुलिस पहल कर देती, क्योंकि पुलिस के पास कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी उस आदमी को ढेर कर देना, जब वो बकवास मार रहा सामने खड़ा है, एक गोली की मार थी वो, लेकिन पुलिस अगर गोली चला देती तो अंदर से भी गोली चलती, पुलिस को जबरदस्ती फिर और गोली चलानी पड़ती, फिर लोग बोलते थे जी अंदर अखंड पाठ हो रहा था, वो भी पड़ गया, वो भी पड़ गया और हमला हो गया हमारे गुरुद्वारे पे, फिर जो मेरे जैसे सिख थे वो भी भड़क करके वहाँ जाते और लॉकडाउन का उल्लंघन होता। इसमें मैं बोलता हूँ दुनिया की पहली मिसाल है ये कि इतने बड़े कांड को, क्योंकि पूरी जगह लॉकडाउन है और कर्फ्यू है, पूरे दुनिया भर में कर्फ्यू है, और इसमें पुलिस ने बहुत ही आराम से प्यार से काम किया, बहुत ही दिमाग से काम किया, ठंडे दिमाग से काम किया। एक आदमी का पुलिस का उनके एक आदमी का हाथ कटा हुआ है, लेकिन फिर भी वो इतने आराम से चल रहे हैं कि उन्होंने गोली नहीं चलाई, कोई वहाँ पे पूरी सख्ती नहीं की, उन्होंने बड़े आराम से उस ऑपरेशन को अंजाम दिया, उनको ले आए। अभी ये सवाल आ जाता, कई लोग बोलते हैं जी चार आदमी ने कांड किया था 11 को, अरे भाइयों वहाँ पे जो अंदर होंगे अभी अभी आप बताते हैं 11, मैं तो कहता हूँ जब इनसे पूछताछ होगी अभी और पता नहीं कितने आदमी आ जाए शिकंजे में, क्योंकि इनसे पूछताछ होगी इतना माल कहाँ से आया, इतना ये है वो है, इनके और भी दोस्त होंगे, इनके और भी इनके साथी होंगे, वो ही पकड़े में आएंगे, तो पुलिस तो अपनी तौर से इंक्वायरी करेगी, आप क्या देते हैं उसमें से भी चार आदमी थे तो 11 का क्यों हो गया, चार आदमी थे तो दो लेडीज कैसे आ गई, पुलिस का अपना काम है, आप पुलिस के तौर तरीके जानते हैं, ठीक है पुलिस के कुछ लोग ज़्यादा जाति करते हैं, उनको मनोविज्ञान है, वो तंग होते हैं, कोई बात नहीं हो जाती है, लेकिन ये तो थी बात इसकी। अभी जो लोग पोस्टें डाल रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं DG का सरूपा दिया, मैंने कि आपको क्या अधिकार है भाई, आप ये पूरी सिख कौम के, आप पूरी सिख कौम के जिम्मेदार हैं क्या आप, और जो है चोला डाल के निहंग हैं, जो हर एक ने जिसने अमृत छक लिया वो निहंग कैसे हो सकता है, निहंग तो पूरी आइडेंटिटी कार्ड देते हैं, निहंग का पूरा एक सरकार की तरफ से उनके पूरे संगठन है, जो 2-4-5-7 जो पूरे जो दल हैं निहंग सिंहों के,